बार घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। वार्ड सचिव को विभिन्न पंचायतों में समायोजित करना होगा, करना होगा, करना होगा। काम किया है तो वेतन दो, भूखे हैं भोजन दो। सरकार से इस तरह की मांगे इन दिनों वार्ड सचिवों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि वार्ड सचिव अब हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि इनका संघर्ष आंदोलन बीते दिन से शुरू हो गया है। बिहार के प्रत्येक जिलों में वार्ड सचिवों के द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, आपको गोपालगंज, खगड़िया आदि से जो सूचना प्राप्त हुई है, जमकर वार्ड सचिवों की संख्या देखी गई और पुरजोर रूप से आवाज़ भी बुलंद की गई। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि खगड़िया में भी लोग समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया है। और इधर गोपालगंज से भी खबर प्राप्त हुई है कि वार्ड सचिवों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा है कि यह पहली आगाज है जहां जिला मुख्यालय से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी है। अगर सरकार तक आवाज़ पहुंचने में बाधा उत्पन्न होती है, तब पटना की धरती एक बार फिर जाम करेंगे। हम वीडियो भी दिखाएंगे खगड़िया से, जो हमारे संवाददाता के द्वारा प्राप्त हुआ है, और गोपालगंज से कुछ वीडियो हमें प्राप्त हुई है, वो दोनों वीडियो को आपको दिखाएंगे। हालांकि बिहार के वार्ड सचिव जो हैं, उनकी बहाली 4 साल पहले हुआ था कि वार्डों के विकास के लिए जहां वार्ड सदस्य की भूमिका होती है, वहीं वार्ड सचिवों की भी भूमिका होनी चाहिए। सरकार के सोच के अनुसार वार्ड सचिवों ने अपना भी काम भी दिखाया है, अपवाद भी कुछ हो सकता है, लेकिन काम दिखाया गया है। और उन्हें अब तक 4 सालों का उन्हें मानदेय नहीं मिला है। भुखमरी के कगार पर स्थिति दयनीय है, क्योंकि कुछ न कुछ तो काम मिला, काम किए, लेकिन उनका मेहनत आना नहीं मिल पाया है। आज कह रहे हैं कि काम किया है तो वेतन दो, मांग तो जायज है, स्थिति दयनीय है, तो कह रहे हैं कि भूखे पेट हैं भोजन दो। यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, बल्कि भूख की लड़ाई है। धर्म युद्ध कहा जा सकता है भूखे पेट, यह युद्ध सरकार के खिलाफ, भूख के खिलाफ, यह धर्म युद्ध ही कहा जा सकता है। क्योंकि सरकार भले ही वार्ड सचिवों को मानदेय वेतन दे या न दे, लेकिन सरकार की यह जिम्मेवारी जरूर है कि अपने क्षेत्र के जनताओं को, आम लोगों को भूखे मरने न दे। इस स्थिति में भी सरकार को वार्ड सचिवों को मदद करनी चाहिए। काम कराया है तो वेतन मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए। जब आप उनसे काम ले रहे हैं तो उनके परिवार भूखे नहीं मरना चाहिए। अगर ऐसा स्थिति होता है तो इसमें दोषी सरकार है। हालांकि वार्ड सचिवों के द्वारा विभिन्न जिला मुख्यालयों में बीते दिन 27 नवंबर को समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, वो भी शांति। हालांकि वार्ड सचिवों का मानना है कि वार्ड सचिवों का जन्मदाता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनसे हम केवल फरियाद कर सकते हैं। और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करेगी। हालांकि उनका 3 मांग है, काम किया है तो वेतन दो, यानी कि बकाया वेतन मिले, एक सम्मानजनक मानदेय हम लोगों को मिले, वेतन मिले। दूसरी मांगे हैं कि हमें अस्थायीकरण कर दिया जाए। और तीसरी मांगे हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। खैर, 3 मांग में 3 मांग भले ही पूरी न हो, लेकिन कम से कम 60 साल के लिए अस्थायीकरण और सम्मानजनक वेतन तो जरूर मिलना चाहिए। यह हम भी पहल कर रहे हैं, मांग करते हैं वार्ड सचिवों के लिए, यह उनका हक है और मिलना चाहिए। लेकिन सरकार क्या सोचती है, जिस प्रकार से हल्ला और बवाल है, तो धड़कने तेज है वार्ड सचिवों का कि कहीं हमें हटा न दिया जाए। रोज सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा छिड़ी हुई है और धीरे धीरे तमाम वार्ड सचिव अब जग चुके हैं। और जिस प्रकार से विभिन्न जिला मुख्यालयों में इनकी संख्या देखी गई, तो एक बार बीते माह में जिस प्रकार से पटना की धरती पर प्रदर्शन किया गया था, उसी तरह से इनकी संख्या शायद पटना में दोगुनी हो जाए।
क्योंकि 1.25 लाख के करीब इनकी संख्या भी बताई जाती है। तो इनकी मांगे पूरी हो इसके लेकर इनके द्वारा आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि इस पर सरकार किस प्रकार से संज्ञान लेती है। देखिए इस वीडियो को, किस वीडियो में क्या इन लोगों के द्वारा कहा और सुना जा रहा है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 सचिव संघ जिंदाबाद, 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 वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, वार्ड सचिव के लंबित मानदेय भुगतान करो, वार्ड सचिव के लंबित मानदेय भुगतान करो, भुगतान करो, वार्ड सचिव को सम्मानजनक राशि देना होगा, देना होगा, देना, सचिव को सरकारी सेवक घोषित करो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 तो हम एक हैं, एक हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन जिंदाबाद, 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 एम2 जिंदाबाद, 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 तो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं, राजवार सचिव संघ जिंदाबाद, 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 वार्ड सचिव के मांगों को पूरा करना होगा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वार्ड सचिव एक का जिंदाबाद, 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 सभी पंचायत के वार्ड सचिव एक हो, एक हो, एक हो, बिहार के वार्ड सचिव एक हो, एक हो, एक जिला के वार्ड सचिव एक हो, एक हो, हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज मांगे लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, जायज मांगे लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, वार्ड सचिव के सम्मानजनक राशि देना होगा, देना होगा, लंबित मानदेय भुगतान करना होगा, 5 साल से लंबित मानदेय भुगतान करो, भुगतान, तो इंकलाब जिंदाबाद, 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 सचिव को सरकारी सेवक घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, सचिव को सरकारी सेवक घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, सचिव को विभिन्न पंचायतों में समायोजित करना होगा, करना होगा, करना होगा, नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड सचिव को सरकारी कामों में समायोजन करना होगा, करना होगा, करना तो इंकलाब जिंदाबाद, 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 तो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं, तो हम एक हैं, एक हैं, हर जोर जुल्म के चक्कर में, हर जोर जुल्म के चक्कर में, इंकलाब जिंदाबाद, 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 वार्ड सचिव संघ एकता जिंदाबाद, 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 जो वार्ड सचिव संघ से टकराएगा, चोर चोर हो जाएगा, जो वार्ड सचिव संघ से टकराएगा, चोर चोर हो जाएगा, वार्ड सचिव को सरकारी सम्मान देना होगा, देना होगा, देना होगा, वार्ड सचिव को प्रशासन द्वारा सम्मान देना होगा, देना होगा, देना होगा, तो इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलेक्ट्रेट गेट के आगे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और हम लोग बिहार सरकार से यह मांग करते हैं कि हम लोग विगत 4 वर्षों से बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट में 7 निश्चय में हम लोग नली गली नल हर घर नल जल बीजकरण मिट्टीकरण इत्यादि कामों में अपना सौभाग्य किया हुआ है। 4 साल से हमें विगत 4 वर्षों से सरकार के द्वारा यह आश्वासन मिलता रहा है कि हाँ आप लोगों को स्थायी किया जाएगा, आपको सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा और आपको बिहार सरकार के कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। हम लोग इस आश्वासन को देखते हुए आज 4 साल का समय व्यतीत कर चुके हैं और हम लोगों का चयन हाई स्कूल बेस पे हुआ है। माननीय श्री मुख्यमंत्री और मैं पंचायती राज मिनिस्टर क्या नाम है सम्राट चौधरी जी से विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि वो हमारी जो मांग है उस पर विचार करें। हमारी 3 सूत्री मांग है, हमें स्थायी किया जाए, हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और बिहार सरकार के कर्मी का दर्जा दिया जाए। इस मांग के लिए हम लोग एक दिवसीय मतलब धरना प्रदर्शन गोपालगंज जिला के अंतर्गत किए हुए हैं, जिसमें हमारे गोपालगंज के 14 प्रखंड के सभी वार्ड सचिव आए हुए हैं। लगभग 25-26 सौ के आसपास में आपकी जनसंख्या है। हमारी संख्या लगभग 25-26 सौ तो नहीं, लेकिन 22-23 सौ के लगभग हमारी संख्या है। थैंक यू, थैंक यू। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, 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 वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, वार्ड सचिव को स्थायी करो, स्थायी करो, स्थायी करो, वार्ड सचिव को स्थायी करो, स्थायी करो, स्थायी करो, काम किया है वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, काम
उदासीन रवैया को देखते हुए हम वार्ड सचिव संघ पूरे बिहार में ये निर्णय लिया है कि हमारी मांग को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग इसी तरह का धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग सरकार से तंग आ चुके हैं। हमारी अभी जो स्थिति है, मैं पूरे परिवार को भरण पोषण भी नहीं कर सकता हूँ। मैं मुख्यमंत्री के अति महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाया है, जिस प्रोजेक्ट को, इसके एवज में अभी हमको ये भुगतना पड़ रहा है कि अभी तक 4 सालों से हम वार्ड सचिवों को एक भी रुपया नहीं दिया गया, मानदेय नहीं दिया गया, स्थायीकरण नहीं किया गया। यदि आपकी बात को सरकार नहीं मानती है तो आगे का आपका क्या रणनीति है? आगे अभी हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, पटना में जाकर भी हम लोग घेराव करेंगे, और ये निरंतर जो है से प्रदर्शन का काम हमारे वार्ड सचिव तरफ से चलते रहे। आने वाले समय में हम लोग भूख हड़ताल भी कर सकते हैं।